हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि आप अपने वीवो फ़ोन्स में कैसे नेविगेशन कीज़ को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। सेटिंग्स ओपन हो जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिस्टम नेविगेशन, उस पर क्लिक करना है। क्लिक हो जाने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेगा। पहले नंबर पर आप देख सकते हैं पहले से ही होके रखा है नेविगेशन कीज़। अभी आपको क्या करना है कि नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा नेविगेशन गेस्टियर का, ये देख सकते हैं आप लोग नेविगेशन गेस्टियर का, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ डेमो आ जाएगा। मैंने पहले इसको ट्राई किया था इसलिए मेरे सामने कुछ भी नहीं आया, डायरेक्ट सिलेक्ट हो गया है। तो आप देख सकते हैं मेरा जो नीचे नेविगेशन कीज था वो चेंज हो गया है, देख सकते हैं स्लाइड हो गया है मेरा, नीचे लाइन जैसा कुछ हो गया है। अभी मैं इसको ऑफ करूँगा तो मेरा बैक हो जाएगा। आप देख सकते हैं पहले नंबर पर ये थोड़ा हाइड हो गया है नीचे, जो मेरा जो नेविगेशन की, मैं इसको आप करूँगा तो ये बैक हो जाएगा। तो मैं इसको आप कर देता हूँ, देख सकते हैं जो कीज़ था वो हाइड हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं नीचे थ्री गेस्टियर आ गया है नेविगेशन, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। देख मैं बता दूँगा कि कैसे, मैं बीच वाला को आपको प्रेस करके रखना है, आप करना है स्लाइड अप करके 2 सेकेंड रखना है तो आपका बैकग्राउंड लाइट निकल जाएगी बीच वाला को, देख सकते हैं। इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद तीन नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसको आप जब भी आप स्लाइड अप करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन पैनल निकल जाएगा, देख सकते हैं नोटिफिकेशन पैनल आ गया है। तो आप लोग भी ऐसे ही नेविगेशन गेस्टियर को यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने बता दिया है कि कैसे करना है। तो थैंक यू गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।